मीजियम ऑफ ब्रेस्ट, स्तन की ग्रंथि में जब नॉर्मल गांठ होती है तो वो कैसी दिखती है और किस तरीके से ऑपरेट होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑपरेशन नहीं भी करते हैं तो चलता है, उसको मैमोग्राफी करके आप रूटीन फॉलोअप में रख सकते हो, और अगर लगता है कि उसमें कैंसरस चेंज हो रहा है या पेनफुल हो रहा है तो वो फाइब्रोएडिनोमा में माउस शेप का होता है, मतलब वो पूरा मोबाइल होता है। तो कई बार फाइब्रोएडिनोसिस होता है, फाइब्रोएडिनोमा होता है, फाइलर ट्यूमर होता है, वो अलग अलग होता है। जो अगर फाइब्रोएडिनोमा होता है तो क्लिनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है कि फाइब्रोएडिनोमा है, उसको हम लोग यहाँ से स्कारलेस तरीके से रिमूव करते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है दोनों राइट और लेफ्ट साइड से हमने गांठ निकाली हुई है, कम्प्लीटली नॉर्मल निकाली है, कोई भी ब्लड वर्ड कुछ भी नहीं है। एक साइड से राइट तीन है और एक साइड से दो गांठ हमने गठन निकाली है। ये हम बायोप्सी में भेजेंगे पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉर्मल आती है, अगर वो पेन करती है तो निकालते हैं, पर वो स्कार जो होता है वो हम सरकम एरियोला लेते हैं, जो एरियोला के पास से लेते हैं जिससे वो कभी दिखता नहीं है फ्यूचर में भी कि ये फीमेल जो होती है उसने कोई ऑपरेशन करवाया है या इसको कुछ हुआ है। और अंदर भी ब्रेस्ट टिश्यू को अप्रोक्सीमेट प्रॉपर करना पड़ता है वरना वो खड्डा पड़ जाता है, तो वो भी फीमेल को अच्छा नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है, कैंसर के सर्जन और प्लास्टिक सर्जन ये करते हैं। अगर फाइब्रोएडिनोमा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे से प्लास्टिक सर्जन को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे जिससे सर्कमेरुलर स्कार ना दिखे। स्कारलेस तरीके से ये प्रोसीजर पॉसिबल है, आधे घंटे घंटे का काम है, लोकल एनेस्थेसिया में होता है और पेशेंट 4 घंटे में घर जा सकता है। ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको हेल्प करने का फीमेल कोऑर्डिनेटर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।